हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स, जिसमें कि हमें स्पेशली बिन ड्रायर, ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, रीसर्कुलेटरी ड्रायर एंड सोलर ड्रायर के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हमने ड्राइंग की जो प्रोसेस है, क्यों की जाती है, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप ड्राइंग की प्रोसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखकर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स क्या होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बड़े लेवल पर जो ग्रेन की ड्राइंग करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स। और इनमें ये सारे जो इम्पॉर्टेंट वन हैं इनको स्टडी करना है। इनके हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि ये ड्रायर्स क्या होते हैं और इनके क्या एडवांटेज है, हम पूरी जो प्रोसेसिंग है उसके साथ नहीं जाएंगे। सबसे पहला आता है बिन ड्रायर। तो जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि बिन ड्रायर में एक बिन लगा होगा, जिसे सिलोब के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रेन को स्टोर करने का काम करेगा। और स्पेसिफिक सी बात है कि कोई भी ड्रायर होगा उसमें क्या होगा, हम हीटेड एयर को ब्लो करेंगे या फिर हीटेड एयर को जो पर्टिकुलर ग्रेन्स हैं या हमारा जो मटेरियल है उसके ऊपर से फ्लो करवाएंगे, जिससे कि क्या होगा, ग्रेन के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। बिन ड्रायर्स जो हैं वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस और अलग अलग टाइप के ग्रेन्स के लिए सूटेबल माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रे ड्रायर्स। तो सेम नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टाइप के ड्रायर्स होंगे इनमें एक ट्रे लगी होगी, अलग अलग ट्रेज लगी होंगी जहाँ पर हम ग्रेन्स को स्प्रेड कर देते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है उसके अंदर ट्रेज लगी होंगी बहुत सारी, वहाँ पर हम पर्टिकुलर ग्रेन को स्प्रेड कर देते हैं और फिर वहाँ पर हॉट एयर को सर्कुलेट किया जाता है ट्रेज के ऊपर से, जिससे कि जो ग्रेन्स हैं उनका मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। इनको बेसिकली जब ग्रेन की स्मॉल क्वांटिटी को हमें ड्राई करना होता है तब हम ट्रे ड्रायर्स को यूज़ करते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में। इसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स को सस्पेंड कर दिया जाता है हॉट एयर में, जो कि एक फ्लूइडाइज्ड बेड तैयार करता है। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि डेलिकेट ग्रेन्स के लिए आइडियल है, क्योंकि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि बाकी सारे ग्रेन ड्रायर्स के कंपैरिजन में इसमें मिनिमम डैमेज होता है, यानी कि हम मैक्सिमम आउटपुट इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीसर्कुलेटरी ड्रायर। इस प्रकार के सिस्टम में सेम नेम इंडिकेट कर रहा है रीसर्कुलेटरी, यानी कि एयर जो है वो बार बार रीसर्कुलेट होगी। इस टाइप के रीसर्कुलेटरी ड्रायर में एनर्जी का कंजप्शन कम होता है और ये ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। बेसिकली इसको लार्ज ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जब हमें बहुत बड़ी अमाउंट में ग्रेन्स को ड्राई करना होता है तब हम रीसर्कुलेटरी टाइप के ड्रायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर ड्रायर, जिसके नाम से आप सभी परिचित होंगे कि सोलर ड्रायर सोलर एनर्जी का यूज़ करके ग्रेन्स की ड्राइंग करता है, जो कि सबसे अच्छा इको फ्रेंडली ऑप्शन है। सोलर ड्रायर्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में आ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड मिक्स्ड मोड के सोलर ड्रायर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको स्पेशली तब ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब सनलाइट जो है उसकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स का क्या यूज़ है, या हम बात करें कि कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक सिंपल सा बेनिफिट तो ये होगा कि कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स जो हैं वो एक ह्यूज क्वांटिटी में जब ग्रेन होंगे तो इंडस्ट्री लेवल पे उनको ड्राइंग करने के प्रोसेस के रूप में काम में लिया जा सकता है। दूसरा, कमर्शियल ग्रेन ड्रायर की हेल्प से हम ग्रेन्स की सेल्फ लाइफ को इनक्रीज़ कर सकते हैं और क्वालिटी को मेनटेन करके रख सकते हैं। कमर्शियल ग्रेन ड्रायर की हेल्प से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या मटेरियल की स्टोरेज स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, जो कि उसकी मार्केट वैल्यू को इनक्रीज़ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एफिशिएंसी को इनक्रीज़ करता है और बेटर ड्राइंग कंडीशंस को प्रोवाइड कराता है ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में। तो ये थे सारे कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन अगर आपको इसमें से किसी भी पर्टिकुलर ग्रेन ड्रायर की
डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये नेम्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से ग्रेन ड्रायर्स जिनको कि हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कौन कौन से ऐसे कमर्शियल ग्रेन ड्रायर्स हैं जो कि इको फ्रेंडली है, किसको हम ग्रेन्स की ह्यूज क्वान्टिटी को ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन सा सिर्फ लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स के लिए यूज़ किया जाता है।